क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। देखिए क्या ये प्रूफ करना है, जबकि ये दोनों दिए हुए हैं, इफ कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 1/2 एंड साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 1/4, प्रूव दैट टेन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू 1/2। तो ये देखो आप यहाँ 1/2 कैसे आएगा, तो जब इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें 1/2 आ जाएगा। चलिए हम लोग लिखते हैं कॉस ए प्लस का कॉस बी इक्वल टू में 1/2 है ना, इक्वेशन फर्स्ट, एंड साइन ए प्लस का साइन बी इक्वल टू में 1/4 इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग लिखेंगे डिवाइड डिवाइड द इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी और नीचे हो जाएगा कॉस ए प्लस का कॉस बी इक्वल टू में 1/4 बाई में 1/2। तो ऊपर साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ मैं लिख देता हूँ, होता है आपका साइन सी प्लस का साइन डी इक्वल टू में 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इसी के अकॉर्डिंग ऊपर देखिए क्या हो जाएगा आपका 2 साइन ए प्लस बी बाई टू और इंटू में कॉस ए माइनस बी बाई टू, नीचे आपका हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू इक्वल टू में, यहाँ देखिए इसे काट देंगे 1/2 हो जाएगा इधर, तो हमें है ना जी, इसी से हमें हिंट मिल गया, ये दोनों यहाँ से ये कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, साइन बाई कॉस एंगल सेम है तो टेन हो जाएगा, तो टेन ए प्लस बी बाई में 2 इक्वल टू में 1/2, यही ना हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया।